जब दुनिया ने उस तुर्क के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरतुद्दीन अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 27 वर्ष बीत गए। शहनशाह कवाली ने फैसलाबाद के एक क्वाल घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आँख खोली। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। कवाली के साथ साथ गजलें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। उस्ताद नुसरतुद्दीन अली खान का गाया गया हर गीत पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा और अमर हो गया। सुरों के शहनशाह सुफियाना कलाम को इस महारत से गाते थे कि सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। इन्होंने मगरबी साजों का इस्तेमाल करके कवाली को जद्दत के साथ साथ एक नई जात बख्शी। इनकी कवाली दम मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा वही खुदा है, सांसों की माला, दम मस्त कलंदर, अखियां उड़ीक दिया, गो रख धंध और इन जैसी कितनी ही कवालियां और गजलें जिसने भी सुनी वो इनका मदा हो गया। कवाली के 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाने पर उस्ताद नुसरतुद्दीन अली खान का नाम किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। सहरंगेज आवाज और शख्सियत के हामिल उस्ताद नुसरतुद्दीन अली खान गुर्दों की आर्जा में मुब्तला हुए और 49 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त 1997 को अपने चाहने वालों को रोता छोड़कर मुंह मिट्टी तले जा सोए। तो मैं भी ऐसे छोटे से गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नुसरतुद्दीन अली खान के लिए दुआएं मगफरत की जाए। तो बाकी तो आप जानते ही, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।